is one of the basic needs for human survival. As students, we need a healthy and sumptuous meal to focus on our academics and grow physically and mentally. But have you ever wondered how much waste is generated every day from a little amount of food that we leave on our plates in each and every meal of the day? Well, somebody thought it through. And IIT Kanpur alumni Hari Shankar provided a solution to this problem with reduced efforts and enhanced result in the depletion of biodegradable waste generated. Agnes Waste Management ki journey 2018 mein start hui thi, जिसमें हम लोगों ने रैपिड कंपोस्टिंग पे काम किया और रैपिड कंपोस्टिंग के सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं. और रैपिड कंपोस्टिंग क्या है, अगर आप देखेंगे जो भी वेस्ट आपके घरों से निकलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो आपके घरों से निकलता है, किचन वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट, गाँव में अगर चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा गोबर का वेस्ट निकलता है और एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को हम लोग रैपिडली कंपोस्ट करते हैं और वैल्यूएबल फॉर्म में लिक्विड और सॉलिड फर्टिलाइज़र के रूप में उसको तैयार कर लेते हैं. अगर हम सिर्फ कंपोस्टिंग की बात करें तो एक मैनुअल भूमि कंपोस्टर जो हमने बनाया है, भूमि नाम से हमारी मशीन है. भूमि स्टैंड्स फॉर बायो कंपोस्टिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्यूअर इंडिजिनसली. और जो मैनुअल भूमि कंपोस्टिंग मशीन है वो हर एक गाँव में लगाया जा सकता है. इतना सिंपल, इतना सरल तकनीक है कि एक किसान को किसी भी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है. जो हमारा बायो इंजाइम है वो बेड बनाए, एक सिंपल बेड बनाए, वेस्ट को एक तरफ इकट्ठा करे, हमारा बायो इंजाइम डाले और उसको बस रेगुलरली मिक्स करना है. बस इतना करना है और आपने वेस्ट तैयार किया, बायो इंजाइम मिला दिया, हर 10 दिन पर आप इसको मिक्स कर दीजिए. तीसरी बार जब चौथी बार आप मिक्स करेंगे तो आपका कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा. तो इतना सिंपल है, इतना इकोनॉमिकल है, इतना ह्यूमन फ्रेंडली है जो हमारा मैनुअल वाला है. जब हम ऑटोमेटेड वाले की बात करते हैं जो हम शहरों में डिप्लॉय करते हैं, तो एक अपार्टमेंट में आप इसको लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं. इसमें सोलर बेस्ड है, श्रेडिंग खुद होता है, मिक्सिंग खुद होता है, इसमें किसी भी तरीके का स्मेल ना, इसके लिए कार्बन फिल्टर्स लगाए गए हैं, एयर पंप्स लगाए गए हैं. आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपका जो भी किचन वेस्ट निकल के आ रहा है आप किचन वेस्ट इस मशीन के अंदर डालें. अगर आप कम्युनिटी में हैं, अपार्टमेंट में हैं, तो वेस्ट को अलग अलग करें, एक स्टाफ वो पूरा वेस्ट ले जाके मशीन में डाल दे, मशीन खुद ब खुद उसको कट कर लेगी, खुद उसमें जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और 15 दिन बाद आप उस मशीन से कंपोस्ट निकाल ले जा सकते हैं. तो ये दोनों ही चीज़ में यूएसपी है. एक जहां हमको इकोनॉमिकल बनाना है वहां इकोनॉमिकल इसको किया गया है. इतना इकोनॉमिकल अभी कोई कंपोस्टिंग सॉल्यूशन इंडिया में उपलब्ध नहीं है. जब हमको ऑटोमेटेड बनाना है, टेक्निकल बनाना है, तो इतना रिफाइंड, इतना स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ ऑटोमेटेड मशीन, ऑटोमेटेड कंपोस्टिंग मशीन अभी उपलब्ध नहीं है इंडिया में. Government has also recognized their efforts and they received both financial as well as mentoring support. I went to the villages and the residential area in and around our campus, spent at least 15 days understanding the complete ecosystem there and the waste management, how do they cater to. We clearly distinguished there is wet waste and dry waste. Then we thought, why don't we convert this wet waste into a useful product. My role as a mentor was to help this company to do an empathy study and then clearly define a problem statement for them, helping them in ideating several solutions. And finally, from those solutions, whatever we have done, we picked and did cut and paste across the solution and came up with 3 products. These 3 products were prototype fabricated and tested, and then we could take our stand what is to be produced, what is the reliability and repeatability of our machine. Agnes also provides a solution for treatment of kitchen waste from house, and from that waste a new application of compost can be created for small organic kitchen garden. Basically they give us 2 types of compost. One is liquid compost
and another one is dry compost. During COVID, there was no other option. We took care of gardening and then we started. We have cherry tomatoes. The basic one is liquid manure. This area, completely we have used only liquid manure. They have also helped in waste segregation in campus of IIT Kanpur. हम लोगों ने एक कंपनी हायर किया जिसका नाम एग्निस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो 2018 से स्टार्ट किया इन्होंने, और इन्होंने जो है डोर टू डोर कलेक्शन हम लोग कराते थे, तो उसमें हम लोगों ने सभी घरों में दो टाइप के डस्टबिन दिए, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो दोनों में अलग अलग हम लोग गार्बेज इकट्ठा कराते थे। एक डस्टबिन में हम लोग किचन वेस्ट लेते थे और एक में सॉलिड वेस्ट, और ये प्रोसेस हमारा 2018 से स्टार्ट हुआ सेग्रीगेट का। वेस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ आवर कंट्री, एंड एन एफिशिएंट टेक्निक टू मैनेज दिस वेस्ट इज द नीड ऑफ द आवर। दिस इनोवेटिव सॉल्यूशन विल नॉट जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग वेस्ट, बट विल आल्सो डील विद एग्रीकल्चर पोल्यूशन।